गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंजॉय द लाइफ विद मुकेश। तो आप देख सकते हैं आज फ्राइडे है, फ्राइडे का शुरुआत जय बप्पा गणेश जी से मैं कर रहा हूँ। गणेश जी को प्रणाम किए मैं सुबह सुबह, उसके बाद फ्रेश हो चुका हूँ, रेडी हो गया और मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। तो अब बप्पा को जय बप्पा बोलते हुए अपना दिन का शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो जैसे मैंने देखा सुबह सुबह हमने बप्पा का प्रणाम किए, बप्पा का प्रणाम करके मैं रेडी हो चुका हूँ और मेरे सामने मेरे ब्रेकफास्ट आ चुका है। देखिए ब्रेकफास्ट में क्या है, यम्मी यम्मी दाल, ये मिक्स वेज पराठे माई फेवरेट विथ चपाती दही, और ये भी एक सब्जी है मेरा फेवरेट। तो थैंक्स टू माय वाइफ फॉर गिविंग मी सो डिलीशियस ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो आज छोटा सा एक ब्लॉग बनाएंगे, बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रहे थे क्योंकि बच्चे लोग का क्लास 10 का एग्ज़ाम चल रहा है, प्लस मार्च एंडिंग भी है, आपको पता है ऑफिस का भी प्रेशर है, तो बहुत दिन से वीडियो नहीं बन रहा था। तो अभी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं रेडी हो चुका हूँ, खाना पीना खा लिए, आपको दिखाए थे भगवान का प्रणाम भी कर लिए। ये देखिए मेरे सामने ही रहते हैं गणेश बाबा, प्रणाम नाम कर लिए। अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और आज मैंने प्लान क्या किया पता है, आज ना गाड़ी से जाएंगे ना स्कूटी से जाएंगे, आज जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। बहुत दिन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं गए, तो आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने का क्या मज़ा है और क्या सजा है, ठीक है। कैसे हम लोग मतलब कैसे हम लोग इंसान मैनेज करके जाते हैं, क्या करते हैं, लेट्स सी एंड बी कनेक्ट, दिखाते हैं आपको क्या क्या करते हैं आगे। चलिए तो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, बाय बाय, मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए, आप देख सकते हैं ये रोड है मेरे फ्लैट के बगल से, जो रोड हाईवे को कनेक्ट करता है वो रोड है, वो रोड पे मैं जा रहा हूँ। और जैसे आपको बताया था कि आज गाड़ी से नहीं जाएंगे, अब मतलब पर्सनल गाड़ी से नहीं जाएंगे, आज स्कूटी गाड़ी और अपना गाड़ी जो है वो घर पे ही है, और जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कि बहुत दिन हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं गए, तो थोड़ा आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी मज़ा लिया जाए, आप लोगों को दिखाया जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाने से क्या अच्छा है और क्या ख़राब है, इंसान कैसे करके मैनेज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर में जाते हैं, तो ये सब दिखाएंगे आपको, बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। ऑलमोस्ट मैं अभी हाईवे पे पहुंचने वाला हूँ, हाईवे पे पहुंचने के बाद फिर रोड मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करके फिर उसके बाद देखते हैं क्या मिलता है। मुझे एक्चुअली ऑफिस जाने के लिए दो दो जगह पे चेंज करना पड़ेगा, दो जगह बस चेंज करना पड़ता है तब जाके मैं ऑफिस पहुंचता हूँ। तो लेट्स सी, अभी तो निकल चुके हैं, मस्ती करते हैं। आप लोग भी फ्राइडे है आज, फ्राइडे का क्या प्लान है आपका बताइएगा, मेरा तो फ्राइडे का प्लान अभी कुछ बनाया नहीं हूँ क्योंकि आज ऑफिस में बहुत काम है, ईयर क्लोजिंग है जैसे आपको बताया, और एक माता में टेंशन तो चल ही रहा है, बेटी का क्लास 10 का एग्ज़ाम चल रहा है, बेटा का क्लास 8 7th का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ऑलरेडी टेंशन सब चल रहा है। बट हाँ, उस टेंशन से भी थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ये रिक्वेस्ट है आप लोग से भाई, क्योंकि मेरा टारगेट है जल्दी से मेरा 1K सब्सक्राइब, 1M 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा हो, उसके बाद एक ग्रैंड पार्टी करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट जल्दी से कंप्लीट करने में आप लोग हेल्प कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यही है, और
और क्या बोले, बस आ गए मेन रोड पे, आपको दिखाएंगे पूरा गुवाहाटी सिटी। इतना आज के डेट में इतना डेवलप हो रहा है थैंक्स टू आसाम गवर्नमेंट, थैंक्स टू अवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो मतलब आसाम पे इतना फोकस कर रहे हैं, अब डेवलप कर रहे हैं। सब जगह हाईवे बन गया है, रोड सब अच्छे हो गए हैं, नॉर्मल पाथ जो है वो सब में भी आप देखेंगे बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जितना ड्रेन है ड्रेन सब में काम हो रही है, तो ये गुड्स, दिस आर द गुड, दिस इज़ कॉल्ड द स्मार्ट सिटी एक्चुअली ऑलरेडी वर्क। ठीक है दोस्तों, अभी मैं जस्ट ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ घूम के, देख सकते हैं ये देखिए हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है। ठीक है, ठीक है, अभी मुझे रोड के उस पार जाना है, उस पार जाने के लिए मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ कटिंग नहीं है, तो अभी मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ, मुझे रोड क्रॉस करना है, उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट आई एम ऑलरेडी सिटिंग ट्रेकर, ये आसाम का छोटा मिनी बस बोल सकते हैं या ट्रेकर बोल सकते हैं। इससे पहले जाना है मुझे वैशिष्टो तक, उसके बाद फिर वहाँ से चेंज करेंगे बस। ठीक है, तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, हो गया आराम से मिल गया सीट, बैठ गए, नहीं तो कभी कभी इतना भीड़ होता है कि बैठ भी नहीं पाते हैं। तो बने रहिए, कनेक्ट रहिए, नेक्स्ट आपको जब दिखाएंगे बस पे जब बैठेंगे तब आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ स्टे कनेक्ट, मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों आज टेकर में इतना जाम है, इतना जाम है, आप देख सकते हैं 10 मिनट का रास्ता मुझे कवर करने में 45 मिनट लग गया। सोचिए कैसे आम लोग आते हैं, कितना परेशान होते हैं। तो मैं अभी आ चुका हूँ, इसे बोलते हैं अपना बेलतल, ये हो गया आपका चार आली बोलते हैं। तो बस भी आया हुआ है, बस में बैठते हैं। तो दोस्तों सेकंड बस में बैठ गए, एसी बस मिल गया, ये देखिए पूरा अच्छा सा दिख रहा है। इस बस में अब आराम से जाएंगे, उसके बाद ऑफिस पहुंचेंगे। बहुत थक गया स्टेकर में, मतलब इतना जाम था नेशनल हाईवे पे, इस 10 मिनट का रास्ता कवर करने में 45 मिनट लगा, मुझे तो बैठा बैठा नींद हो रहा था। लेकिन हाँ, अभी अच्छा एसी बस मिल गया, ये देखिए अब खाली बस है पूरा, आराम से बैठ गए, अब हम लोग चल रहे हैं। बस ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गया, जल्दी ऑफिस पहुँचेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। तो यही होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बने रहिए, तो दिखाएंगे पूरा बस का भी क्या है नहीं है। ठीक है, बोलते हैं चाराली बोलते हैं इसको, वैशिष्टो चाराली भी बोलते हैं,
और कोई इसको अपना लोकराचारा नहीं बोलते हैं, कनेक्टेड है। आपको बैक करके दिखाऊँ, दिखा सकता हूँ, हाईवे बन रही है, ये ब्रिज जंप बच जाएगी, उसके बाद जाके ट्रैफिक कम है। तो यही है, इतना सुंदर सिटी है गुवाहाटी सिटी, इज़ अ रियली वेरी ब्यूटीफुल सिटी। खाली है, फिर से रोक दिया गया, आदमी लोग आ रहे हैं, अभी बैठेंगे। चलना स्टार्ट कर दिया हूँ, करीबन 2-3 महीना के बाद मैं इस ब्रिज पे चल रहा हूँ। नहीं तो बाइक गाड़ी लेके आते हैं तो फिर नीचे से ही निकल जाते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज हो जा रहा है, बट इट्स गुड फॉर हेल्थ। थोड़ा स्टेयर भी चलना चाहिए, मज़ा आ रहा है। तो ऑलमोस्ट मैं ऑफिस पहुँचने वाला हूँ, आपको दिखाया। बस में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, बट हाँ टेकर में बहुत दिक्कत हुआ, बहुत जाम था, बहुत टाइम लगा, बट हाँ वापस पहुँचने वाले हैं। देखिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं बैक कैमरा करके, कितना ब्यूटीफुल सिटी लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। मैं बीच के ऊपर खड़ा हूँ, वहाँ से आप लोग को दिखाया। तो अभी भी ब्रिज पे ही है, आधा पार्ट क्रॉस कर चुके हैं, अब ब्रिज से उतरने वाले हैं, मतलब रोड के दूसरे साइड आ गए, जिस साइड मेरा ऑफिस है उस साइड आ चुके हैं। तो मज़ा आ गया, बहुत दिन के बाद ब्रिज पे चढ़े, अच्छा भी लगा। तो अभी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, ऑफिस में बहुत काम है, तो काम उम करके फिर इवनिंग को मिलेंगे आपसे, या ब्रेक के टाइम बाहर निकलूँगा तब आपसे मिलूँगा और बताएंगे क्या करते हैं, क्योंकि मैं ऑफिस के अंदर नहीं बनाता हूँ वीडियो, दिस इज़ माय पर्सनल ब्लॉग, तो ऑफिस का कुछ नहीं बनाना चाहिए। तो बस और सिर्फ 1 या 2 मिनट में ऑफिस पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर सिर्फ ऑफिस का काम करना है और फिर शाम को मिलेंगे, शाम को आपको दिखाएंगे। फिर आज शाम को पब्लिक बस से ही जाएंगे, शाम को तो और ज़्यादा भीड़ होता है, मतलब और भी इंसान को तकलीफ होते हैं, अच्छा भी लगता है, बट ये इंसान का डे टू डे टू लाइफ का एक्टिविटी है जो हर इंसान को करना पड़ता है। जिसके पास अपना गाड़ी है वो अपने गाड़ी से चले जाते हैं, गाड़ी से आ जाते हैं, बट कॉमन पीपल को देखिए, ये डेली का लाइफ है, तकलीफ उठा के उनको चलना पड़ता है। वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाह रहा था। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए, फिर आपसे मिलते हैं जब मौका मिलेगा, तो आज इवनिंग में या दोपहर को मिलते हैं। तब तक स्टे कनेक्ट,
ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स फ्राइडे है, इतना काम था कि बाहर निकल ही नहीं पाया, ना लंच के लिए निकल पाए ना वॉक के लिए निकल पाए। तो ये सब करते करते लेट हो गया। लास्ट में मेरे बॉस आ रहे थे, इसी रूट में जा रहे थे, सर बोले कि चलो आज गाड़ी से ही ड्रॉप ले लो। तो सुबह तो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए थे, फिर अभी रात भी लेट भी हो रहा था, मगर ठीक है सर चलो आपके साथ ही आता हूँ। तो अभी देख सकते हैं मैं फ्लैट आ चुका हूँ, सर ने ड्रॉप दे दिया, थैंक्स टू सर। सर ड्रॉप दे के निकल गए और मैं भी घर आ गया। लेकिन हाँ वही है कि आप लोग का सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट का नहीं दिखा पाया इवनिंग का, कोई नहीं दूसरा दिन वीडियो बना कर आपको दिखाएंगे, मॉर्निंग का तो आप देखे ही थे। तो ये हल्का फुल्का वीडियो बनाए, फ्राइडे है, थोड़ा सा पनीर ले लिए क्योंकि कल बेटी का एग्ज़ाम है, सुबह सुबह जल्दी उठ के फिर जाना पड़ेगा तो टाइम नहीं मिलेगा। तो कुछ सब्जी वब्जी नहीं हुआ है, पूरी सी सब्जी वब्जी लेके आने के लिए, बट मार्च मंथ में इतना प्रेशर है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। सब्जी दुकान में गया कुछ मिला नहीं, ऑलरेडी लेट हो गया था। तो ठीक है, कल जब बच्चे को एग्ज़ाम देना जाएंगे तो ले लेंगे वहाँ पे, और देखते हैं। अभी तो घर पहुँच गए हैं, फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग घर पहुँचे कि नहीं ऑफिस से बताइएगा। ये देखिए मैं अपने फ्लोर पे आ चुका हूँ, अंधेरा लग रहा होगा आप लोग को, ये मैंने गेट बंद कर दिया, ये मैं अपने फ्लोर पे आ चुका हूँ। तो अभी घर पे पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड फाइनली घर आ चुका हूँ, वाइफ गुस्सा हो चुकी है क्योंकि मैंने फ्राइडे को कुछ भी नहीं लेके आया बाज़ार से। क्या करें, देखिए कभी कभी इंसान इतना परेशान हो जाता है ऑफिस के काम के चक्कर में कि मतलब सामान वामान कुछ ला नहीं पाता है। वाइफ ने बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट दिया था कि ये सामान लाना है, कुछ भी नहीं ला पाया मैं आज, सिर्फ पनीर लेके आया हूँ और कुछ नहीं ला पाया। तो ठीक है, कल सैटरडे है, कल ऑफिस नहीं जाएंगे तो कल ला देंगे, बेटी का एग्ज़ाम है, ज़्यादा बात नहीं करना। और वाइफ को सॉरी बोल देता हूँ, सामान नहीं ला दिया इसीलिए, ठीक है। और दोस्तों और क्या बताऊँ, तो अभी आए आप देख सकते हैं मैं ड्रेस भी नहीं खोला हूँ, वाइफ को देखा गुस्सा हो गई, चिल्लाने लगी मेरे पे, तो मैंने बता दिया, समझा दिया, समझ गई वो, अभी खाना बना रही है। तो अभी फ्रेश होंगे, फ्रेश व्रेश होके खा पी के फिर मिलेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग को यदि लेंदी बनाएंगे नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम अपना बेटी को भी देना है, ठीक है। तो ये जस्ट ऑफिस गया आया, रास्ता आपको दिखाया था, थोड़ा सा बनाया हूँ कि नॉर्मल आदमी कैसे ऑफिस जाते हैं, कैसे आते हैं, नॉर्मल आदमी जो है उनके लाइफ का डे टू डे क्या एक्टिविटी होता है, वही सब ये दिखाया हूँ मैं ब्लॉग में। तो मुझे लगता है ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मेरा टारगेट को मुझे बहुत जल्दी अचीव करना है और विदाउट आप लोग के सपोर्ट वो अचीव नहीं हो सकता, ठीक है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर मुझे करना है जितना जल्दी हो, उसके बाद ग्रैंड पार्टी करेंगे दोस्तों और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाएंगे। आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा कुछ, अगर आप लोग के पास सजेशन अच्छा हो कंटेंट जिसके ऊपर वीडियो बना सकूं तो डेफिनेटली बनाऊंगा, बट आप लोग मैसेज करके बताइएगा बनाएंगे, नहीं तो मैं डे टू डे डेली ब्लॉग जिससे बनाता हूँ इसे तो बनाते ही रहूँगा। आप लोग का प्यार से बना पा रहा हूँ तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। आज 1 मार्च है, 1 मार्च का इवनिंग है, घर पहुँच चुके हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। फ्रेश होकर फिर तो आप बच्चे को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लेंदी वीडियो का नहीं बनाएंगे, यही बोलते हुए वीडियो को समाप्त करेंगे कि प्लीज़ स्टे कनेक्ट, बी सेफ एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल इंजॉय द लाइफ विथ मुकेश। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिएगा, दिखाते रहिएगा भाई पे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।